स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीदी जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जाएंगी सबसे पहले आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप सभी दीदियों से अनुरोध है कि अगर आप SHG की महिला हैं तो कृपया आप लोग पंचसूत्र का पालन जरूर करती रहें, क्योंकि दीदी आपके समूह को तभी सक्रिय माना जाएगा और रोजगार की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए ज़्यादा न बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, यूपी युवाओं को रोजगार देने के नए रास्ते खोल रही है योगी सरकार। अब यूपी में नहीं बैठना होगा बेकार। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को छोड़ के ना जाए, अंत तक देखते रहें कि ग्रामीण इलाकों में कितने प्रकार के रोजगार आए हैं। लखनऊ बीते 4.5 साल में 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और इस साल दिसंबर तक 37,500 सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की तैयारी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक नए तरीके से भी युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। योगी सरकार का इरादा सभी सरकारी विभागों में 1 लाख से ज़्यादा पदों पर मानदेय के आधार पर नौकरी देने का है। इस योजना का मकसद अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना है। कोरोना की वजह से अन्य राज्यों से बेरोजगार होकर काफ़ी युवा यूपी में अपने घरों को लौटे। इसकी वजह से जी हाँ दीदी, इसकी वजह से यूपी में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसे देखते हुए ही सीएम योगी ने मानदेय पर नियुक्ति का रास्ता तलाशा है। जी हाँ, मानदेय का रास्ता तलाशा है। योगी सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्धकुशल कारीगरों को कई जिलों में मानदेय पर रखना शुरू भी कर दिया है। इसके लिए कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों में एक सचिव सह अकाउंटेंट रखने का फैसला भी किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले को हर महीने 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा में कामकाज का निरीक्षण करने के लिए 22,000 से ज़्यादा महिला मेट की नियुक्ति भी होगी। महिला मेट को हर महीने 8,400 रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा के नियम के तहत हर 50 श्रमिकों की निगरानी के लिए मेट रखा जा सकता है। यूपी में मनरेगा मजदूरों की संख्या 22 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में 44,000 मेट रखे जाएंगे, जिनमें से आधी आबादी महिलाओं की होगी। जी हाँ, जो दीदियाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, इसीलिए दीदी आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने समूह को की रजिस्टर को अच्छे से लिखें और पढ़ें, पंचसूत्र का पालन करते रहें। जो भी रोजगार आएगा आप लोग तुरंत अप्लाई कर दीजिए, अपने ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए। उधर एक अन्य योजना के तहत यूपी में सामुदायिक शौचालयों की देखरेख के लिए 35,512 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को इनके संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी भी देने की योजना है। इस योजना में समूह की हर महिला को 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही बच्चों और गर्भवती के लिए पोस्टर तैयार करेंगी समूह की दीदियाँ। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही
तैयार करेंगी पोष्ट आहार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़ी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ अब आंगनबाड़ी के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोष्ट आहार तैयार करेंगी। इससे यह महिलाएं समाज को स्वस्थ बनाने में जहां योगदान देंगी, वहीं आर्थिक रूप से भी सशक्त और स्वावलंबी बनेंगी। फैक्ट्रियों की पैकेट बंद पंजीरी से भी छुटकारा मिलेगा। सूरत गंज ब्लॉक में कुटीर उद्योग के रूप में समूह विकसित किया जाएगा। ब्लॉक के 90 समूहों की महिलाओं को प्लांट के संचालन व उत्पाद तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। समूह की दीदियां इस प्लांट में आटा, बेसन, दलिया, सूखा हलवा, मूंग दाल की पिसाई का कार्य करेंगी, साथ ही पैकेट की पैकिंग भी करेंगी। इसके लिए सूरतगंज के लालपुर करौता में टेक होम राशन टीएचआर निर्माण किया जाएगा। लालपुर करौता में भूमि का भी कर लिया गया है। इस प्लांट को तैयार करने में करीब एक करोड़ रुपए खर्च होंगे। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट यानी CIF फंड से प्लांट लगाया जाएगा। आप सभी दीदियों को बता दूं कि रखना होगा हिसाब। जी हाँ, ड्राई राशन खरीद से लेकर बिक्री से प्राप्त धन राशि का लेखा जोखा रखा जाएगा। प्राप्त आय से ही सभी बिल जमा होंगे। बचत पैसे का बराबर बंटवारा होगा। यही समूह की दीदियों की आय होगी। भवन की होगी यह क्षमता। भवन 9000 शुक्रवार फिट का हाल व 3 कमरों की पर्याप्त जगह होगी। जनरेटर भी रखा जाएगा। शौचालय व स्नानघर, बिजली के साथ गोदाम की व्यवस्था भी इस भवन में होगी। जरूरत के अनुसार अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। उपकरणों की खरीद सामुदायिक निवेश निधि से की जाएगी। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमसे बात कर सकती हैं। आपकी जो भी समस्या हो उसका मैं निवारण जरूर करूँगी। तो हमारा मोबाइल नंबर लिख सकती हैं 6387877662। ये हमारा दीदी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों है। मैं खाली नहीं रहती हूँ तो मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है दीदी, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए और भी आपके आसपास जो भी समूह में दीदियाँ जुड़ी हैं उनसे हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपकी गरीबी को दूर करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही दीदी। धन्यवाद। जय आजीविका।